ni siddhiyum aha akrama gnan kadina suniyum ene khodiyum dhori vrush moriyum jiha anantaro ganu खड़ियों वर्ते कारण दादानी सीधियों कामने क्रोध लोभ माया निवृत्ति पोतानी प्रतिष्ठाती उभी मूढ़ सृष्टि सर्पिल वृत्ति ये गड़ियों अहमनो करने झेर माही गोड़ियों जी हाँ अनंत रोगनु मूड़ उखड़ियों वर्ते कारण दादानी सीधियों तन्मयता संगी क्रिया खुल्ला फाट सूक्ष्म भाव कारण नु स्थूल रूपे नाटक प्रत्येक जन्म अहमे रूपक भोगवियों सर्वे अवस्थिते आड़ बीज रूपियों आहा अक्रम ज्ञान कदिना सुनियों एने खोदियों धोरी वृक्ष मोड़ियों दादेज खोद्यूं धोरी मूलनु कारण शुद्धात्मा उपादान सुखामृत वारण जूना रोग निकाली नवूं कई न चोटियों जोयूं जान्यूं में जुदू मारूं जूना रोग निकाली नवूं कई न चोटियों जोयूं जान्यूं मैं जुदूं मारूं खोड़ियों जी हां अनंत रोग नु मूड़ उखड़ियों वर्ते कारण दादानी सीधियों शुद्ध उपयोगे भासे नवनीत निमित सिद्ध उपलब्धि आजे कल्याण आत्यंतिक ओहो मोक्ष सुख देहा तीत झड़ हरियों प्रेमल मौन भाषी करुणाड़ साहेबियों ओहो मोक्ष सुख देहा तीत झड़ हरियों
प्रेमल मौन भाषी करुणार साहेबियों। जी हां अनंत रोगनु मोड़ उखड़ियों वर्ते कारण दादानी सिद्धियों वर्ते कारण दादानी सिद्धियों वर्ते कारण। चैप्टर 60। हमेशा निरोगी रहने का उपाय है आपके पास। मनुष्य त्रिविध ताप से पीड़ित है और उसमें भी सबसे ज्यादा पीड़ा उसे देह देती है। यही देह जिसका पूरी जिंदगी लालन पालन किया हो फिर भी वह कब दगा दे जाएगी कब दुख देगी कुछ कहा नहीं जा सकता। दांतों को साफ रखने के लिए कमरा भर जाए इतने दातुन किए होंगे, किंतु जब दांत का दर्द होता है तब अच्छे अच्छों की आबरू चली जाती है। इन सब से छूटने के लिए क्या करें? डॉक्टर दवाई से रोग तो मिटा देते हैं मगर वास्तव में तो रोग पैदा ही न हो उसकी ओर जागरूक रहे यही सही इलाज है। दर्द आ पड़े तो भुगतना तो पड़ेगा ही क्योंकि वह प्रारब्ध है, उसके कारण उसके बीज तो पहले ही बोए हुए हैं, अतः इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। हां बड़ी विपत्ति थोड़े में ही टल जाए, हल्की सी पीड़ा से ही भारी कर्म का भुगतान हो जाए ऐसा हो सकता है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने रोग किस कारण होते हैं उसका गुह्य विज्ञान बताते हुए कहा है कि जिन इंद्रियों का दुरुपयोग किया हो उन इंद्रियों के रोग होते हैं। जैसे कि सही बात नहीं सुनी तो बहरापन आता है, दृष्टि बिगाड़ी हो तो आंख के रोग होते हैं, अंधापन आता है, मन से दूसरों को दुख दिए हो तो मानसिक रोग होते हैं, बुद्धि से दूसरों को मारा हो तो कमजोर बुद्धि मंद बुद्धि होती है, और जीभ की तो बात ही करने जैसी नहीं है। एक जीभ वाणी का दुरुपयोग बंद हो जाए तो शारीरिक मानसिक असंख्य रोग मिट जाए और शांति प्राप्त हो सकती है। सभी दुख और पीड़ा वाणी के कारण ही है। ज्ञानियों ने वाणी को आत्मा का लीकेज कहा है, इसीलिए ही धर्म में मौन पर विशेष जोर दिया गया है। वाणी सब रोगों व दुखों का मूल कारण है, इसीलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वाणी तो सरस्वती देवी मानी जाती है मगर निंदा द्वारा उसका हिंसक उपयोग करें तो लक्ष्मी का आना भी बंद हो जाता है। रोग होने का दूसरा कारण है क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष रूपी कषाय। क्रोध इसमें मुख्य है। क्रोध करने से पूरा अंतःकरण तप जाता है, श्वासोच्छ्वास बहुत तेजी से चलने लगते हैं, जिससे आयुष्य भी कम हो जाता है क्योंकि मनुष्य का आयुष्य श्वासोच्छ्वास पर निर्भर है। ज्यादा क्रोध करने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक भी आ जाता है, नॉर्मल के बजाय ज्यादा तेज गति से शरीर के अंदर के परमाणुओं के तपने से शरीर के नॉर्मल फंक्शंस भी एबनॉर्मल असामान्य हो जाते हैं और रोगों का जन्म होता है।
गुस्से से असंख्य सूक्ष्म जीव भी मर जाते हैं और कितने ही शारीरिक मानसिक रोग जन्म लेते हैं। कोई भी चीज नॉर्मालिटी में ही अच्छी है, अति होते ही शरीर पर विपरीत असर होता है। भोजन से शरीर का पोषण होता है, पर ज्यादा खाना खाए तो वह जहर बन जाता है। इसका पाचन न होने से खून नहीं बनता, इसीलिए ही वितरागों ने उणोदरी तप करने के लिए कहा है, यानी कि भूख से कम खाना। धर्म में उपवास करने के लिए कहा गया है, वह भी देह के लिए ही है। उपवास करने से शरीर रूपी मशीन के सारे पुर्जों को आराम मिलता है और वे फिर से अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। देह को स्वस्थ रखना है तो भाव कषाय न करें, यही श्रेष्ठ उपाय है। प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख न हो, ऐसे भाव रखने से जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि के नियम के अनुसार हमारे अच्छे स्पंदनों का असर हमारे शरीर पर ही वापिस आता है और सभी रोगों से मुक्ति होती है। दूसरों को सुख देने से हमारे मन को आनंद और शांति मिलती है और तब रोग होने का कारण ही नहीं रहता, क्योंकि रोगों का प्रवेश पहले मन में होता है, फिर तन में और फिर पूरे शरीर में फैलता है। शारीरिक मानसिक और भव रोग का प्रत्यक्ष कारण क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष है, परंतु वैज्ञानिक मूल कारण तो स्वयं के स्वरूप की अज्ञानता है। यदि ज्ञानी पुरुष के ज्ञान से स्वरूप का अज्ञान दूर हो जाए तो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष रूपी संसारी वृक्ष अपने आप ही सूख जाता है और सभी रोगों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। आपको क्या लगता है? हाइलाइट्स: डॉक्टर दवाई से रोग तो मिटा देते हैं, मगर वास्तव में तो रोग पैदा ही न हो, उसकी ओर जागृत रहे, यही सही इलाज है। देह को स्वस्थ रखना है तो भाव कषाय न करें, यही श्रेष्ठ उपाय है। शारीरिक मानसिक और भव रोग का प्रत्यक्ष कारण क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष है, परंतु वैज्ञानिक मूल कारण तो स्वयं के स्वरूप की अज्ञानता है। चरे